हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? फिर से मेरे निगुल का सभी को स्वागत है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमें रोड के साइड में खड़े हैं, और ये रोड का जो किनारे वो गज रेसा वगैरह इलेक्ट्रिक के लिए कट कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक जो ट्री के अंदर या झाड़ के अंदर घुसा रहता है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उन लोग कट कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ साइड वाला है। हाँ, तो आज बारिश तो नहीं है, बारिश आ रहा था तो कम हो गया है। मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा आ रहा था और कल आया, और रात को तो बहुत ज़्यादा ही आया। और छोटा रास्ता है, थोड़ा साइड देने के लिए भी दिक्कत होता है। कट किए हैं, कट कर रहे हैं ए साइड में, जो साइड साइड का है वो आगरा। बिकॉज इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो गैस मेरा ब्लॉग में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरा वीडियो पे बने रहिएगा। तो गैस आप लोग देख सकते हैं इधर छोटा कॉन्वेंट है, किसी ने कैनल लगाया होगा। आज शनिवार, कल है संडे, रविवार कल हम लोग चर्च जाएंगे। चर्च अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो गैस आप लोग देख सकते हैं, रेड रोड के साइड में है। तो गैस आप लोग देख सकते हैं मैं इधर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बाहर गई थी और बाहर से आके बैठी है, मैं थक गई क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम बाहर निकलती भी नहीं है, वॉक नहीं करती है, कभी कभी हो भी जाता है, बट क्या ही करें। गई थी 15-20 मिनट जैसा पैदल ही गई थी और आके बैठ गई, थक गई मैं। थोड़ा रेस्ट करती हूँ फिर अंदर जाऊँगी, क्योंकि हमारा डोर क्लोज है। तो आज घर पर कोई नहीं है फिलहाल, मैं अकेली है तो अभी टाइम पास थोड़ा करेगी। और आज तो ऐसा मौसम नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश आ ही रहा है, लेकिन बारिश भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना। तो वैसा खुद देख सकते हैं, मैं बैठ के टाइम पास कर रही है। तो जो पीछे वो झाड़ दिख रहा है ना, बहुत सारे मंकी सब आते हैं, लेकिन इवनिंग को बहुत ज़्यादा आते हैं, इवनिंग को एंड मॉर्निंग को। बिकॉज क्या करते हैं, मैं उस टाइम हम लोग थोड़ा लेट में उठते हैं ना, तो तब तक ले मंकी छू फॉरेस्ट में चले जाते हैं। और अभी मंकी लोग का सीजन है, छोटे छोटे बच्चा सब और पूरा फैमिली, एक दो देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, बहुत सारा ऐसा जाम करते हैं ना, बापरे अगर अब सोए रहोगी फिर भी जाग जाओगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे गांव तरफ तो देखने के लिए मंकी ही नहीं मिलता है, जहाँ पे मेरे रुकी है, जहाँ पे रही है, उधर से मेरे को सब कुछ मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह मिल रहा है। एंड फिलहाल तो मेरे मैं तो कभी लाइफ में मंकी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम इधर गोवा में देख रही हूँ मंकी, कि इतना सारा है, इतना सारा ज़्यादा आते हैं मंकी बोल के, यहाँ तक कि घर के बालकनी तक भी आ जाते हैं मंकी। सो गुड, सो ब्यूटीफुल दिस गोवा प्लेस। तो गैस चलो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम लोग का कल का प्लानिंग किए हैं, बीच वगैरह जाएंगे, अभी तो कुछ कुछ बीच वगैरह खुला हो गया है और जाने का प्लानिंग तैयारी हो रहा है। तो अभी थोड़ा बारिश कम हो गया है तो जाएंगे बीच वगैरह, तो बीच का सीन दिखाती है हम नेक्स्ट वाला वीडियो में। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा जरूर। तो गैस आप लोग देख सकते हैं जो पीछे दिख रहे हैं ना पानी, वो छोटा सा पुल है, पुल मतलब जो झरिया बोलते हैं ना वो है, वो हमारा पीछे है ब्राउन बाउंड्री का पीछे। और आज हमारा, मैं पुल दिखाती हूँ, हमारा सुशील जी का पुल, क्योंकि पुल में जाने का टाइम आ रहा है तो इसीलिए हम लोग देखें।
देखिए ये रहा पुल। और मैं पीछे साइड से जा रही हूँ। इधर मटर चल गया है वैसे तो गैस। चलो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।